सो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी बड़ा या फिर छोटा काम करते टाइम है ना, दिमाग कम दिल से ज़्यादा काम करो। सो काम कैसा प्रॉपर रहेगा और गाड़ी भी खुश, अपन भी खुश, कस्टमर भी खुश, पावर। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज के इस वीडियो में बताने वाला ये फॉक्सवैगन वेंटो है 1.6 टीडीआई इंजन। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, आपको दिखता होगा ये वाइट स्मोक बहुत कर रहा है, मॉर्निंग टाइम भी कर रहा है, गर्म होने पे भी थोड़ा कम हो रहा है, बट स्मोक है ही उसमें। आज के इस वीडियो में बताने वाला इसको मैं कैसा सॉल्व करने वाला और इसमें क्या क्या प्रोसेस लगने वाला है सब बताने वाला हूँ। क्योंकि चलाते समय भी कैसा ये झटका मार रही गाड़ी, बोलते ना जैसा एक VW का फील आना चाहिए ना, आ नहीं रहा है। और सेकेंड थिंग, इसमें कोई माल फंक्शन लाइट भी नहीं आ रहा, मैंने ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ, कोई DTC नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेटिंग चालू है। आप देख सकते हैं मैं इसका इंजेक्टर का कैलिब्रेशन कर रहा हूँ। कैलिब्रेशन से क्या होगा, इंजेक्टर का जो इशू रहेगा, छोटा मोटा इशू इन द सेंस, इसका जो डेविएशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा जिसकी वजह से वाइट स्मोक आता है, वो जो इशू है वो सॉल्व कर देगा। तो इसके लिए अब इसका कैलिब्रेशन का प्रोसेस चालू है। ये प्रोसेस होने का समझ में आएगा मेरे को, इंजेक्टर में काम करना है कि नहीं है इसके बाद ही मालूम पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी भी इसमें स्मोक आ रहा है, पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा था। पहले कैसा, आइडलिंग पे आ रहा था, अभी आइडलिंग पे नहीं आ रहा है। जब मैं एक्सलेटर पंच कर रहा हूँ तब जाके स्मोक आ रहा है। और मैंने इंजेक्टर का इसका कैलिब्रेशन किया था, अभी जो उसका इंजेक्टर का जो डेविएशन जो 19-20 खराब था वो सही हो गया, बट अभी भी इसमें जो है वाइट स्मोक आ ही रहा है और अभी भी इसमें हंटिंग हो ही रहा है और थोड़ा झटके झटके खा के उठ रहा है और DTC कोई नहीं है गाड़ी में। आप देख सकते हैं RPM मीटर अभी भी इसका फ्लक्चुएट कर रहा है कैलिब्रेशन करने के बाद भी। सो मेरे को अभी इसका टाइमिंग चेक करना पड़ेगा क्योंकि वाइट स्मोक का इशू पहले भी था और कस्टमर बोल रहा था कि वाटर पम्प डालने के बाद वाइट स्मोक का इशू ज़्यादा आने लगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसका टाइमिंग चेक करना पड़ेगा एक बार। ये देखना, क्रैंक का टाइमिंग सेट किया मैंने टूल से, मार्किंग टू मार्किंग मैच है, विच इज़ परफेक्ट। सो नेक्स्ट, हल्का सा आउट है, चलो टॉलरेंस है, चल जाएगा टाइप, बट इसका ये टाइमिंग देखो, इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग है, देखो यहाँ लॉक होना मांगता है और ये यहाँ पे है, देखो इसका लॉकिंग का जो जगह यहाँ पे और लॉक इधर होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3 दाते का फर्क है। और इससे भी एपिक चीज़ क्या है, इसका टेंशनर देखो, ये 1.5 का टेंशनर है, ऐसा टेंशनर आता है, 1.6 का है, इसमें ऐसा लॉक रहता है जो टाइमिंग कवर पे बैठता है। ये अभी डालना है मेरे को, सेकंड वाला मेरे पास का है, ये लगाने वाला है, ये देखो ये 1.5 का डालता है जो कि इसके नीचे ऐसा लॉक होता नहीं है। ये जो लॉक है, लॉक पे बैठना मांगता है, ये बैठा हुआ नहीं है। देखो, आप देख सकते हैं इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग है, अभी परफेक्ट आ गया है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये इसका कैमशाफ्ट का टाइमिंग हो गया। और आपको ये अभी इसका क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग बता दो, देखो मैं स्पेशल टूल लगा दिया, विच मीन टाइमिंग परफेक्ट है अभी। आप देख सकते हैं ये इसका 1.6 का जो ऑटो टेंशनर था टाइमिंग बेल्ट का, वो भी लगा दिया हूँ मैं, आपको बताया था ऐसा स्लॉट में बैठता ही है। आपको दिखा है मैंने इसका, मैंने जो टाइमिंग बेल्ट है वो भी नया डाला मैंने, टाइमिंग बेल्ट नया डाला और इसका जो ऑटो टेंशनर था वो मैंने मेरे पास का डाला। और आप देख सकते हैं अभी अभी कोल्ड स्टार्ट किया हूँ मैं, अभी RPM का भी आप गेज देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। पहले क्या फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट अपना जो टाइमिंग था, टाइमिंग में प्रॉब्लम था, इसके वजह से ये सब सिनेरियो क्रिएट हुआ।
आपको बताया मैंने इसमें कोई डीटीसी नहीं था स्कैन करने पे। इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग आपको बताया था मैंने, 2-3 दाते आउट थे तो इसके वजह से ये सब इश्यू हो गया। क्योंकि आपको मालूम होगा इसमें कैसा हाई प्रेशर पंप हो गया, फिर कैमशाफ्ट का टाइमिंग हो गया, इसमें ओवर एडवांस ओवर हीटर होता नहीं है, तो इस सबसे टाइमिंग का ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है। माइट बी कभी जिसने इंस्टॉल किया रहेगा प्रॉपर टाइमिंग सेट नहीं किया रहेगा उसके वजह से, क्योंकि बेसिकली ये इशू इंजेक्टर्स के वजह से ज़्यादा आता है, बट अपने केस में ऐसा नहीं था। ऐसा जो वाइट स्मोक है कभी टर्बो फेलियर रहेगा तो भी आता है, इंजेक्टर्स में इशू रहेगा तो भी आता है, इंजन के रिलेटेड काम रहेगा तो भी आता है। सो कैसा अपने को डायग्नोस करना पड़ता है कि एग्जैक्ट कहाँ से कौन सा चीज़ में इशू है करके, वो हिसाब से थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना है।